सो राइट नाउ वी आर इनसाइड द महिंद्रा थार. ये 2015 का 4x4 CRDe वेरिएंट है. ये टाइप 1 थार है और ये है इसकी की, जिसमें आपको कोई भी कीलेस एंट्री या फिर कोई भी रिमोट अनलॉक लॉक का बटन नहीं मिलता था. अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, जो कि शायद नॉन एग्जिस्टेंट है. बहुत ही बेसिक इंटीरियर मिलता था आपको इस गाड़ी में. इनफैक्ट अब तो थोड़ा बेहतर मिलता है, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम की ये गाड़ी है उस टाइम पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मिलता था. फीचर्स के नाम पे आपको मिलता था AC, 3 स्पीड फैन के साथ एक हीटर. इनफैक्ट स्टीरियो सिस्टम भी आपको खुद लगवाना पड़ता था बाहर जाके. पावर स्टीयरिंग आती थी कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस में. AC आता था, ब्लोअर आता था, और ना कोई पावर विंडो आती थी, ना कोई सेंट्रल लॉकिंग आती थी, ना कोई स्टीरियो सिस्टम आता था. एयरबैग्स और ABS तो आप भूल ही जाओ कि वो भी आता होगा. सो दिस वॉज द बेयर मिनिमम. और रही बात फिट एंड फिनिश की, तो उसके बारे में डिस्कशन करने का मतलब है नहीं, आप खुद ही देख रहे हो. सो कोई मतलब नहीं डिस्कशन करने का. और ऐसा नहीं है, दिस कार कॉस्टेड, दिस व्हीकल स्पेसिफिकली कॉस्टेड अलॉट. आई मीन अभी करंट में जो थार आ रही है वो कहीं कहीं 1,11,68,000 की ऑन रोड पड़ रही है. सो दिस इज नॉट अ चीप व्हीकल बाय एनी मीन्स. सो वॉट मेड इट सो स्पेशल, आई मीन आई लव द थार. बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके डाई हार्ड फैन हैं इसके लुक्स के, और अभी भी इसके कल्ट फॉलोइंग है. और महिंद्रा ने कभी थार इसलिए नहीं लॉन्च की थी कि उसे सेल्स फिगर इम्प्रूव करना था. नहीं, डू यू रियली थिंक कि थार कहीं से भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जिसको आप खरीदना चाहोगे? सो क्यों है इतनी फेमस थार और क्यों है इतनी प्यारी है लोगों को? इनफैक्ट मुझे भी बहुत प्यारी है, और आई वुड पिक अप अ थार एनी डे ओवर एनी अदर कार. सो अब आप सोचने वाली बात है कि इसमें कोई भी फीचर क्रिएचर कंफर्ट है नहीं, कोई भी कन्वीनियंस वाले फीचर्स हैं नहीं, सो स्टिल क्यों है इतनी पॉपुलर? सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस गाड़ी की ड्राइव करके, और मैं बात करता हूँ उसके इंजन के बारे में. और उससे पहले मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की एर्गोनॉमिक्स के बारे में, कि एर्गोनॉमिकली ये गाड़ी कैसी है. सो उस हिसाब से भी गाड़ी कोई बहुत खास नहीं है. हाँ, आप ऊपर बैठते हो, आप ऊँचा बैठते हो, कमांडिंग व्यू मिलता है, और स्टीयरिंग थोड़ा सा ऑफसेट है, सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, मतलब आप जहाँ बैठोगे उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है. सीट्स ये स्टॉक सीट्स हैं, थोड़ा ये कुशन्ड अप हैं, सो ये अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बकेट सीट रियली फील देती हैं. और पीछे का भी इस गाड़ी का इंटीरियर भी इस गाड़ी का मॉडिफाइड है, मतलब ये स्टॉक इंटीरियर नहीं है. सो ये छत भी इसकी हार्ड टॉप, ये बाद में करवाया गया है. आज़ाद 4x4 करके एक कस्टमाइजेशन शॉप है जो महिंद्रा थार की कस्टमाइजेशन में, इंटीरियर के कस्टमाइजेशन में स्पेशलाइज करती है. सो इस गाड़ी का इंटीरियर स्प्रूस जाता है. पीछे जो सीट्स लगी हैं वो इनोवा की रियर बेंच सीट्स हैं. सो के और ये स्पीकर्स, जो वॉल माउंटेड आपको स्पीकर्स दिख रहे हैं वो भी आफ्टर मार्केट है, और ये स्टीरियो सिस्टम भी आफ्टर मार्केट है. सो जस्ट टू मेक द इंटीरियर ऑफ दिस कार मोर लिवेबल. अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में और इस गाड़ी के ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में. अभी फ़िलहाल इसमें गाड़ी स्टार्ट हुई है और इसमें 2.5 लीटर का डीजल इंजन लगा हुआ है, फोर सिलेंडर, इनलाइन फोर सिलेंडर 2.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि CRDe यूनिट है. प्रोड्यूस करता है 105 bhp और 247 Nm का टॉर्क, और वो टॉर्क आता है नियरली 1800 rpm से. सो एज लो एज 1800 rpm पे इस गाड़ी का टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होना शुरू हो जाता है. सो जस्ट इमेजिन कि कितनी ड्राइवेबल ये कार होगी, मतलब जस्ट स्लॉटेड इन टू द गेयर्स और ये गाड़ी बस चल पड़ती है. इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगता है, कोई भी आपको मतलब जोर नहीं लगता है, और देर इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ टॉर्क. अब इस गाड़ी का जो माइलेज, अगर आप माइलेज की बात करना चाहोगे तो माइलेज इस गाड़ी का कंपनी क्लेम करती है 13, तो कहीं ना कहीं शहर में 10-11 का माइलेज मिलता है मैक्स टू मैक्स, ऑल्दो मैंने इसे 12 का माइलेज भी निकाला है. सो बस इस गाड़ी का जो डायमेंशन है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एक हैचबैक जितना डायमेंशन है इस गाड़ी का, और दैट मेक्स दिस व्हीकल वेरी ड्राइवेबल. आप ऊपर बैठते हो, आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है, प्लस इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको शायद ही इंडियन मार्केट में कोई ऐसी गाड़ी होगी जो जगह ना दे. एंड स्पेसिफिकली पर्सनली आई लव दैट फीलिंग, मतलब इस आजकल की जो रोड पे ट्रैफिक कंडीशंस है उस हिसाब से, तो जिस तरीके से इस गाड़ी को जगह मिलती है देने की, मतलब निकलने के लिए, दैट्स कम्प्लीटली अमेजिंग. सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का. और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में, तो उसमें कुछ बात करने के लिए है ही नहीं. अब अगर एक गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी है स्पेसिफिकली, तो उसका सस्पेंशन हार्ड होना ही होना है, और कोई कंफर्टेबल सस्पेंशन यहाँ. अब इस गाड़ी में अगर लोडेड रहे और इस गाड़ी में अगर आप 3 या 4 या 5 लोगों को लेके चलो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाड़ी थोड़ा दबके चलती है, बट वरना ऐसा तो इतना खुद आती है कि आप शायद खुद ही उल्टी कर दो. सो यू हैव टू
गेट यूज टू इट, मतलब थार के यूज टू होना पड़ता है आपको. एक बार आप उसके यूज टू हो जाओगे तो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आपको कोई और गाड़ी चलाने नहीं देगी. दैट्स द थिंग विच आई लव. और जो लोग थार चलाते होंगे वो भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि बेसिकली दिस थिंग इज अ इमोशन. और इसकी भी एक बहुत ही कल्ट फॉलोइंग है. मतलब आज भी जैसे रॉयल इनफील्ड की और जावा की कल्ट फॉलोइंग है, वैसे ही महिंद्रा थार की भी एक कल्ट फॉलोइंग है जिस गाड़ी पे बेस्ड है MM540. जब आप थार लेके रोड पे निकलते हो तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है. मतलब दिस इज़ अ अट्रैक्टिव कार, राइट? और आपके सामने कोई भी हो वो आपको जगह देता है. इसलिए नहीं कि आप कोई बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए कि आपकी गाड़ी में लोहा बहुत ज़्यादा है. अब जैसा कि इस गाड़ी का डायमेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नियर अबाउट एक हैचबैक के आसपास का डायमेंशन है. उसके बाद इस गाड़ी का वेट 1715 किलोग्राम से, एक टन से ऊपर की गाड़ी है ये, जितने में दो बलिनों शायद आ जाए. सो जस्ट इमेजिन कि द अमाउंट ऑफ मेटल यूज्ड इन दिस व्हीकल और अमाउंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेटल शीट, जो शीट है उसकी मोटाई इमेजिन करो आप, और उसके बेसिस पे इस गाड़ी की स्ट्रेंथ पता लगाओ कि कितनी मजबूत गाड़ी होगी. और दैट्स वाई इस गाड़ी के डायमेंशन और इस गाड़ी के को अपीयरेंस और रोड प्रेजेंस को देख के आपको एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलती है रोड पे. वो आप तभी समझ पाओगे जब आप एक थार से चलाओगे. आपको कभी मौका मिले तो आप एक हैचबैक चलाओ, सिंपल सी मारुति हुंडई की कोई भी गाड़ी चला के देखो भीड़ भाड़ वाली रोड पे, और देन उसके बाद आप एक थार चला के देखो. लोग भागते हैं, जो आपको जगह नहीं दे रहे होते हैं वो लोग भागते हैं आपका रास्ता छोड़ के कि कहीं आप गुस्से में ना आ जाओ. सो दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द थार. आप इसमें एक रोले से चलते हो, एक रॉप से चलते हो. सो दैट्स द थिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ व्हीकल्स. और बात करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी की, तो फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी की अराउंड 13 कंपनी क्लेम करती है, बट आप कहीं कहीं 10-11 निकाल पाओगे. पर्सनली मैंने 12 तक इस गाड़ी से एक्सट्रैक्ट किया है एक्सप्रेस वे पे. सो या दैट्स पॉसिबल. अगर आप इस गाड़ी को फोर व्हील ड्राइव मोड में चलाते हो या फिर आप कुछ ऐसी इंडल्जिंग एक्टिविटीज़ करते हो तो वहाँ माइलेज कम होता है फॉर श्योर. और इस गाड़ी में आपको तीन ड्राइविंग मतलब तीन तरह के ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं. मतलब मोड्स एज इन फोर व्हील ड्राइव, मतलब तीन तरह के ड्राइव मिल जाते हैं फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में, फोर हाई, फोर लो और टू हाई. तो दैट्स द थिंग. और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन की, जो इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन हमने क्या क्या करवाए हैं. सो इस गाड़ी को हमने लिया था 2015 में, तो एक सॉफ्ट टॉप थार थी. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसमें आप अगर देखो तो इसमें एक हार्ड टॉप लगा हुआ है, मेटल हार्ड टॉप जो हमने आज़ाद से लगवाया था. अब बेनिफिट्स उस चीज़ के ये हैं कि इस गाड़ी में वो लगाने के बाद से गाड़ी ज़्यादा शांत हो चुकी है, बेहतर और वेट और बढ़ जाने की वजह से गाड़ी और दब के चलती है. और आपको क्या नाम है कि डस्ट, जो कि पहले सॉफ्ट टॉप की बड़ी बड़ी इशू था कि डस्ट अंदर बहुत आता था, भले आप शीशा चढ़ा के रखो, सब कुछ चढ़ा के रखो, डस्ट आना बंद हो गया. नॉइज़ बाहर से कम आती है. और इस गाड़ी का एसी भी काफ़ी इफेक्टिवली काम करने लगा है, चूँकि इसका एसी बहुत पावरफुल है. ये चीज़ कंपनी ने कंसिडर करके ही दिया था कि एक ओपन सॉफ्ट टॉप गाड़ी है तो इसका एसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेटर, क्योंकि इतना बेहतर इंसुलेशन मिल नहीं पाता है इस गाड़ी में. सो एसी की इफेक्टिवनेस बढ़ गई है. और ये गाड़ी और का इंटीरियर एक और लिवेबल प्लेस हो चुका है उस हार्ड टॉप मॉडिफिकेशन के बाद. सो हमने वो मॉडिफिकेशन आज़ाद से करवाई थी, दिल्ली, न्यू दिल्ली से. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ इंटीरियर का काम भी हुआ था, ऐसे सीट्स वगैरह और ये ऊपर की कारपेटिंग और नीचे की कारपेटिंग वगैरह. और हार्ड टॉप एंड मेटल हार्ड टॉप थी, वी वर नॉट इन फेवर ऑफ फाइबर हार्ड टॉप. सो मेटल हार्ड टॉप के साथ पूरा कॉस्टिंग कहीं कहीं 2-2 लाख के आसपास की पड़ी थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. सो इट वॉज डन इन 2017. आज इस हार्ड टॉप को 2 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ इश्यूज आए हैं, ऐसा नहीं इश्यूज नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है. वाटर सीपेज का इशू है, बट उसके लिए आई हैव टॉक टू देम और वो उन्होंने बुलाया इस चीज़ को सही करने के लिए. सो या दिस वॉज इट फॉर द हार्ड टॉप. और अब बात कर लेते हैं कि क्या थार लेनी चाहिए. सो अगर आप थार को एक फर्स्ट व्हीकल कंसिडर करके एक फैमिली कार की तरह लेना चाहते हो तो बिल्कुल ना ले थार. थार इज समथिंग रिलेटेड टू जो शौक, ये शौक वाली गाड़ी है. मतलब ये एक फैमिली व्हीकल के लिए नहीं है. मतलब अगर आप 10 अभी करंटली जो थार आ रही है दैट्स कॉस्टिंग अबाउट, एबीएस वेरिएंट इज कॉस्टिंग अबाउट ऑन रोड
11,68,000 फॉर द 4x4 वेरिएंट। तो उतने में आपको एक ढंग की सेडान मिल जाएगी या फिर टॉप ऑफ द लाइन हैचबैक मिल जाएगी, जिसमें आपको ढेर सारे क्रिएचर कंफर्ट्स मिलेंगे और आपके फैमिली ज़्यादा कंफर्टेबली उसमें ट्रेवल कर पाएगी, वो ज़्यादा सेफ भी होगी इस गाड़ी से। थार इज़ मोर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब सेकेंड व्हीकल या फिर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है या फिर आप एक जीप कल्ट को फॉलो करते हो, उस केस में दिस इज़ द ओनली व्हीकल विच ऑफर्स यू दैट इन सच अ चीप प्राइस। मतलब अगर थार को आप एक ऑफ रोडिंग व्हीकल की तरह देखो और एक ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हो या फिर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है उस पर्पज़ के लिए ले रहे हो, तो उस रेट में फिर ये गाड़ी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। आपको एक कैपेबल ऑफ रोडर मिल जाता है, 4x4 व्हील ड्राइव के साथ मिल जाता है, और इस रेंज में मेरे ख्याल से फोर्स गुरखा शायद एक आती है और ना कोई और गाड़ी नहीं आती है। और इनफैक्ट दिस इज़ अ रियली कैपेबल ऑफ रोडर, अगर इसमें आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर लो इन टायर्स की और थोड़ा सस्पेंशन और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका अच्छा एक्सपीरियंस फॉलो कर रहा हो आपको इन ऑफ रोडिंग, तो उस केस में ये गाड़ी एक बहुत ही बेहतर चॉइस हो सकती है ऑफ रोडिंग के लिए। और देन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ दिस इज़ अ हार्ड, दिस कैन बी अ हार्ड कोर ऑफ रोडर, और लोग यूज़ करते भी हैं थार को, अगर मैक्सिमम थार साहब देखो तो ऑफ रोडिंग के लिए ही लेता है इंसान या फिर शौक के लिए लेता है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज, और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना है या कुछ भी सजेशन आपको चाहिए या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और हम बेहतर कंटेंट लाने का ट्राई करते हैं। सो और पास में भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आ चुकी हैं जो कि शायद आपको इंटरेस्ट करें, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट आर प्रीवियस वीडियोस एज वेल, और इन द फ्यूचर आल्सो वी आर ट्राइंग टू गेट सम मोर कूल कंटेंट फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।